आज तो सुपर संडे है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 8 नंबर के वार्ड के सारे बूथों में हम घूम रहे हैं, इसके बाद आएगा 9 नंबर वार्ड, बाद में दोपहर में के बाद 1 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड, और इतने सारे वार्डों में हमारा कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि आज संडे है और संडे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलना चाहेंगे। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है लोगों के पास ये रखना, जो बंगाल में शांति है, सुकून है, प्रगति है और विकास है, और इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को टिकाए रखना, बरकरार रखना जरूरी है। सब कह रहे हैं बंगाल में है दरकार ममता की सरकार, और सारा देश ममता के नेतृत्व की ओर देख रहा है, बड़े जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और सिलीगुड़ी जो शहर है, जो भविष्य नगरी है, जो कि संभावनाओं का शहर है, उस शहर का बागडोर, उस शहर का नेतृत्व तृणमूल के पास आना चाहिए, और यह बात जब होगा उसके बाद आप लोग हम लोग सब देखेंगे जो कैसे सिलीगुड़ी का चतुर्मुखी विकास होता है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, डुअर्स का रहने वाला, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का छात्र, मैं सबसे यह प्रॉमिस करता हूँ जो सिलीगुड़ी को हम लोग आगामी दिनों में उत्तर पूर्व भारत का द्वार के हिसाब से इसकी परिचिति और इसका विकास हम लोग संभव पर करेंगे। और यह भी वादा करता हूँ जो सिलीगुड़ी की जो सब समस्याएं हैं जिसके लिए यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन जिम्मेदार है, इन सभी समस्याओं का, जैसे कि पानी, पीने का पानी का समस्या, नाली का समस्या, नदी के संस्कारों का समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या, ये जो वज्र पदार्थ जो हैं इनका डंपिंग ग्राउंड की समस्या, ये सब हम लोग दूर करने में एकजुट होकर काम करेंगे। दीदी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये काम आगे चलता रहेगा।